Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com and in this video we are going to talk about IoT, मतलब Internet of Things. And in this video मैं आपको बताऊंगा IoT क्या होता है, IoT कैसे काम करता है, IoT के कुछ awesome example हम देखेंगे. इसके बाद हम देखेंगे कि IoT का future क्या है और IoT में आप अपना future किस तरह बना सकते हैं. So this video is going to be interesting for you. So are you ready? Let's get started. So the first question is, what is IoT? IoT क्या होता है? Well, IoT का मतलब होता है Internet of Things. 1983 में जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था तब से ह्यूमन इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है. इंटरनेट आपके कंप्यूटर में, इंटरनेट आपके लैपटॉप में है, इंटरनेट आपके वॉचेस में है, इंटरनेट लगभग आपके हर वो डिवाइस में जो आप यूज करते हैं, राइट. बट इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि हमेशा ह्यूमन इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है. And this is internet of human. But अब time upgrade हो चुका है. अब internet को केवल human ही नहीं बल्कि things भी access करने लगी हैं. और experts के according 2020 तक 4 billion से ज़्यादा things internet को use करने लगेंगी. इसका मतलब है कि आपके कपड़े, घड़ी, चश्मा, car, washing machine, fridge, sofa, chair and many things like जूते, चप्पल, चम्मच, जग, कुकर, यहाँ तक कि आपकी अंडरवियर भी इंटरनेट एक्सेस करने लगेगी. विश्वास नहीं हो रहा? Let me show you that. Meet Myatt Skin. It's a smart underwear range featuring integrated sensors to monitor your body's heart rate, activity, posture, and even your hydration levels and temperature. So, ये तो आप समझ गए कि IoT में कुछ ऐसे physical devices होते हैं, जो smart devices होते हैं, जो internet access कर सकते हैं without human help, और वो काम करते हैं आपकी life को smart बनाने के लिए, right? But ये IoT smart devices work कैसे करते हैं? How the IoT works? This is the second question of this video, right? So, let me show you a quick presentation to represent how the IoT devices works. So, let's have a look at it. So, यहाँ पर हमारे पास एक CCTV कैमरा है जो IoT based devices की 5 common properties को satisfy करता है. The first one is ये physical device है जिसे आप छू सकते हैं, लगा सकते हैं, अपने घर पर install कर सकते हैं, etc. And second is ये एक electric या electronic device है. Third, इसमें sensors लगे हैं जो चीज़ों को sense करते हैं, like motion detection, heat detection, etc. Fourth, इसकी mobile applications हैं जिससे ये कनेक्ट हो सकता है एंड इंस्ट्रक्शन रिसीव कर सकता है एंड नोटिफिकेशन सेंड कर सकता है. एंड फिफ्थ एंड इम्पॉर्टेंट, ये इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है. सो क्योंकि ये पांचों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए ये एक आईओटी बेस्ड स्मार्ट डिवाइस है. ओके, नाउ अब हम एज्यूम करते हैं कि ये आईओटी डिवाइस या सीसीटीवी कैमरा आपके घर पर इंस्टॉल्ड है जो कनेक्टेड है किसी मॉडेम से. ये मॉडेम कनेक्टेड है इंटरनेट से एंड इंटरनेट से मॉडेम के साथ साथ कनेक्टेड हैं आपके अदर डिवाइसेस एंड क्लाउड डेटाबेस. ओके, सो यहाँ पर जो भी वीडियो इस डिवाइस में रिकॉर्ड होता है वो डेटाबेस में सेव होते जाता है और इसी के साथ जो भी लॉग्स होते हैं लाइक कैमरा कब ऑन हुआ था, ऑफ हुआ था, कब मोशन डिटेक्ट किया था एटसेट्रा, ये लॉग्स डेटाबेस में सेव होते हैं. एंड आपके जो अदर डिवाइसेस हैं लाइक लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या कोई भी अदर डिवाइस, वो डेटाबेस से कनेक्ट होकर डेटाबेस से अपने वीडियोस फेच कर सकता है. जो भी वीडियो सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किए हैं उन वीडियो को फेच कर सकता है, उन्हें देख सकता है एंड लॉक्स चेक कर सकता है एंड नोटिफिकेशन रिसीव कर सकता है एंड रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है. ओके, सो नाउ मूव अहेड. आपके घर पर ये कैमरा इंस्टॉल्ड है और आप चले जाते हैं घर के बाहर और मौका देखकर कोई चोर आपके घर में आता है और उसे नहीं पता कि आपके घर में एक आईओटी डिवाइस इंस्टॉल्ड है. पर आईओटी डिवाइस को पता है कि चोर आया है, मतलब कोई मोशन हुआ है, और ये एक अलर्ट जनरेट करता है और उसे सेंड करता है मॉडेम पर, मॉडेम सेंड करता है इंटरनेट पर एंड इंटरनेट पर से ये जाता है आपके डेटाबेस में एंड डेटाबेस से ये सेंड होता है आपके अदर डिवाइसेस पर और आपके अदर डिवाइसेस को मिलते हैं नोटिफिकेशंस. ओके, एंड नोटिफिकेशन के बेस पर आप कोई रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं और सेंड करते हैं मॉडेम को. सो मॉडेम इंटरनेट के थ्रू इन्हें रिसीव करता है एंड कोई एक्शन लेता है. यहाँ पर कोई भी एक्शन हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका ये आईओटी डिवाइस कनेक्टेड है अदर आईओटी डिवाइसेस से
लाइक लाइट से या किसी अलर्ट अलार्म से, तो ये उन्हें भी रिस्पॉन्स सेंड करेगा और उन्हें एक्टिवेट कर देगा, लाइक घर की लाइट चालू हो जाएगी या कोई अलार्म बजने लगेगा एट्सेट्रा। और इसी के साथ अगर ये कनेक्टेड है पुलिस से, सो ये पुलिस को भी रिस्पॉन्स सेंड कर सकता है और उन्हें अलर्ट मिल जाएगा। सो इस तरह IoT डिवाइस से आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकते हैं अपने घर को आपके एब्सेंस में भी, और इस तरह कोई चोर पकड़ा जाएगा। सो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर हमने सिक्योरिटी का उदाहरण लिया है, लेकिन IoT डिवाइसेस सिक्योरिटी के साथ साथ लाइफ स्टाइल, हेल्थ एंड सभी कैटेगरीज पर इन्वेंट हुए हैं और मार्केट में रिलीज हुए हैं। सो दिस इज़ हाउ एन IoT डिवाइस वर्क्स विथ इंटरनेट। ये जो प्रेजेंटेशन हमने देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि IoT डिवाइस वर्क किस तरह करते हैं, बट ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट IoT डिवाइसेस इन्वेंट हो चुके हैं और बिक भी रहे हैं ऑनलाइन। यू कैन बाय देम फ्रॉम एनी शॉपिंग साइट। एंड नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ IoT? IoT का भविष्य क्या है, क्या होगा IoT का? जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2020 तक मार्केट में 4 बिलियन से ज्यादा IoT स्मार्ट डिवाइसेस होंगे जो काम कर रहे होंगे आपकी मतलब ह्यूमन की लाइफ को और ज्यादा क्विक, इजी एंड स्मार्ट बनाने के लिए, राइट? सो अगर कोई भी डिवाइस आपकी लाइफ को और ज्यादा स्मार्ट बना रहा है, वो भी आपका टाइम लिए बिना, बिकॉज एज आई सेड, IoT डिवाइस वर्क्स विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। सो ऐसे डिवाइसेस जो आपकी लाइफ को और ज्यादा इजी, स्मार्ट एंड क्विक बना रहे हैं, उन्हें आप ऑफ कोर्स एक्सेप्ट करेंगे। एंड अगर ह्यूमंस इन डिवाइसेस को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो इनका फ्यूचर तो ऑलरेडी ब्राइट है, इजंट इट? इट इज। सो द टाइम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। IoT डिवाइसेस या IoT इंडस्ट्री के कारण आपका करियर किस तरह ब्राइट हो सकता है, या आप IoT में किस तरह करियर बना सकते हैं? लेट्स सी दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दैट कि IoT इंडस्ट्री कोई इंडिविजुअल इंडस्ट्री नहीं है, बल्कि ये कॉम्बिनेशन है मल्टीपल इंडस्ट्रीज का एंड मल्टीपल वर्टिकल्स का। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसमें एटलीस्ट एक प्रोफेशन तो ऐसा जरूर होगा जो आपके प्रोफेशन या आपके इंटरेस्ट से बिलोंग करता होगा या रिलेटेड होगा। सो मैं आपको कुछ ऐसी पोजीशंस बताने वाला हूँ जो काफी हाईलाइटेड हैं, जो मतलब होगी ही IoT इंडस्ट्री के अंदर। एंड लेट्स सी कि आप इनमें कोई अपने इंटरेस्ट की पोजीशन ढूंढ पाते हैं या नहीं। सो लेट्स सी गाइस, मैंने IoT डिवाइस के डेवलपमेंट प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इनके अकॉर्डिंग मैं आपको IoT इंडस्ट्रीज के कुछ हाईलाइटेड जॉब रोल्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जब प्रोडक्ट की प्लानिंग की जाती है और उसे डेवलप किया जाता है तब। सेकेंड है प्रोडक्ट की एप्लीकेशन को डेवलप करने का जो समय होता है जब, तो प्रोडक्ट ऐप डेवलपमेंट स्टेज। और थर्ड होता है प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज। सो फर्स्ट इज़ फर्स्ट, सबसे पहले देखते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के समय कौन कौन सी हाईलाइटेड जॉब्स हैं। पहला है प्रोडक्ट मैनेजर, देन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट एनालाइजर, देन प्रोडक्ट डिज़ाइनर, डिज़ाइन मैटर्स, देन प्रोडक्ट असेंबलर, जो पार्ट्स होते हैं उन्हें मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसके बाद उन्हें असेंबल किया जाता है। सो प्रोडक्ट असेंबलर चेक करता है कि वो ठीक से असेंबल हुए या नहीं हुए। देन प्रोडक्ट डेवलपर, जो प्रोग्रामिंग करता है इसके चिपसेट्स में। देन प्रोडक्ट क्वालिटी एनालिसिस्ट, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करता है। देन सेकेंड स्टेज जो है करियर ऑप्शन एट प्रोडक्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ पर प्रोडक्ट का डेटाबेस क्रिएट किया जाता है, देन प्रोडक्ट के लिए एंड्रॉयड, iOS एंड अदर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की जाती है, एंड वेब एप्लीकेशन डेवलप की जाती है। सो यहाँ पर भी इतने सारे जॉब रोल्स होते हैं जो डेटाबेस से, नेटवर्क से, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट से एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट से रिलेटेड होते हैं। देन नेक्स्ट होता है करियर ऑप्शन एट प्रोडक्ट लॉन्च स्टेज। जब लॉन्च की जाती है तो मार्केटिंग एंड सेल्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लानर होता है, सेल्स स्ट्रेटजी प्लानर होता है, देन इसी तरह से फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं एंड कस्टमर केयर सर्विस से रिलेटेड होते हैं जॉब रोल्स। ओके, सो इस तरह वेरियस वर्टिकल्स एंड वेरियस इंडस्ट्रीज के जॉब रोल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, एंड यू कैन चूज एनी यू वांट। सो ये थी कुछ हाईलाइटेड पोजीशंस जो मेरे नॉलेज में थी और IoT इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं। एंड दिस इज नॉट द कंप्लीट पोजीशंस, ऐसी बहुत सारी पोजीशंस और इनके अंदर जो हाईलाइटेड नहीं है लेकिन है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
सो आपको जस्ट अपना इंटरेस्ट चुनना है, अपना करियर पाथ चुनना है। अगर आप आईओटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आईओटी इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहते हैं, जस्ट बी मास्टर इन योर स्किल्स सो दैट यू कैन कंट्रीब्यूट इन आईओटी इंडस्ट्रीज एंड कैन मेक द ह्यूमन लाइफ मोर स्मार्ट एंड बेटर। सो ओके गाइस, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब एंड यस, यू कैन कमेंट बिलो एप्रिसिएशंस, फीडबैक, सजेशंस, जो भी है। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, जस्ट पुट योर कमेंट बिलो द वीडियो एंड सी यू द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।